गाइज आज हम आ गए अपने बढ़िया माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज में। और गाइज मैंने आपके कमेंट्स पढ़े तो मैंने पूछा था कि अपने को डायमंड के साथ क्या करना चाहिए। तो गाइज आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि अपने को ना पिकेक्स बनानी चाहिए और उसके बाद में उसको ना एन्चेंटमेंट करना चाहिए। तो अभी अप्पू ने ना पहले पिकेक्स बनाते अपने, लास्ट टाइम अपने को 11 डायमंड मिले थे। ओके गाइज तो अभी हम लोग ना डायमंड पिकेक्स बनाने वाले, अपनी पहली डायमंड पिकेक्स ये लो गाइज। भाई साहब 8 ही डायमंड बचे, अभी 8 डायमंड के साथ हम लोग ना आर्मर बना सकते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं बनाता मैं, रुको बाद में बनाते हम लोग आर्मर। अभी भाई मैं बचे हुए 8 डायमंड रख देता हूँ एकदम सेफली रखने। तो गाइज आज हम लोग ना ये जो अपना बोट हाउस है ना, ये देखो एकदम बढ़िया सा बोट हाउस, तो उसके लिए हम लोग ना एक ब्रिज बनाने वाले है। ये देखो उधर से वो वाले एंड से इधर तक एक ब्रिज बनाने वाले, वैसे बहुत ही बड़ा लंबा ब्रिज होने वाला है। तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते, पहले मेलन खा रहा हूँ मैं। तो अभी अपने को जो जो चीजों की जरूरत है ना वो मैं उठा लेता हूँ। तो अभी मैं सोचो अपना जो विलेज था ना, जिधर हम लोगों ने विलेज चलाया था, तो उधर चलते पहले। और उधर है ना एक जगह पे मतलब कोल वगैरह मिलेगा, मैंने बहुत पहले ही देखा था। तो गाइस ये वाला ब्रिज है ना मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, एक यूट्यूबर का देख के बना रहा हूँ। एकदम अच्छा ब्रिज है इसलिए मेरे को पसंद आया। तो गाइस मैं सोचा फिर यही बना देते एकदम बढ़िया सा। तो इधर बोट लगा देता हूँ मैं अपनी, ये भाई बोट आराम से, अरे गलती से बैठ गया गाइस, बैठ आराम से रहे इधर। तो ये देखो ये अपना विलेज है, क्या हालत कर दी है मैंने विलेज की सही में। ये देखो विलेजर पूरा दुख में, भाई इसलिए बोलता था यार डायमंड किसने चोरी किए बता दे यार, छोड़ देता ना मैं इनको अभी, नहीं तो क्या कर सकते हैं भाई। तो गाइस सबसे पहले ना मैं ना थोड़ा सा है ना स्टोन जमा कर लेता हूँ, क्योंकि अपने को है ना सबसे ज्यादा स्टोन की भी जरूरत है। तो उसको फर्नेस में डाल के, मतलब ये कोबल स्टोन को डाल के अपन ना स्टोन जनरेट करेंगे बहुत सारा। ओके गाइस रात होने वाली है तो मैं अभी सोच रहा हूँ इधर ही सो लेते हम लोग। ये देखो अपना बेड भी इधर ही, किधर तो क्लोज में। ये देखो विलेजर सो गया भाई साहब, यार उठ जा भाई, उठ जा उठ जा, मेरे को सोने दे यार। ओके धन्यवाद विलेजर, अब आप सो सकते हो इधर। ओ भाई साहब ये देखो क्रिपर आ गया, ओ क्रिपर देखो जल रहा है बेचारा, मत मत तू इधर, जल गया बेचारा, मर गया वैसे। ये लोग गाइस और एक बेड बना देते हैं विलेजर के लिए, तो 3 विलेजर के लिए 3 बेड सही है मुझे लगता है। तो अभी अपना क्राफ्टिंग टेबल उठा लेते हैं, भाई कुछ तो नीचे डाल लिया। तो गाइस एक काम कर दो, इधर ना 2-4 फर्नेस भी लगा देता हूँ मैं, इधर ही ऐसे फर्नेस लगा देते हैं। उसके बाद में अपने को ना एक कोबल स्टोन डालना है, थोड़ा सा कोल रख देते है। ये लोग गाइस 3 फर्नेस बना दिए, ओ गलती से इधर चांद दो, इधर लगा देते हैं अभी हम लोग। फिर इसमें थोड़ा सा कोबल स्टोन, थोड़ा सा कोल डाल देता हूँ। तो अभी ये बहुत सारा है ना अपने को स्टोन देने वाला ये। तो गाइस अभी हम लोगों ने ना बहुत सारा कोबल स्टोन कलेक्ट कर लिया, अभी अपने को चाहिए वुड। तो गाइस अपने बोट हाउस के बाजू में ना बहुत सारे ओक के पेड़ है, तो उधर से हम लोग है ना बहुत सारी लकड़ियां कलेक्ट कर लेंगे। अपने को ना गाइस बहुत सारे ट्रैप डोर बनाने, मतलब हद से ज्यादा ट्रैप डोर बनाने। तो भाई साहब अभी रात होने वाली है, तो मुझे लगता है अपने बोट हाउस में अपने को रिटर्न जाना चाहिए। तो आज है ना मेरे को इतनी सारी लकड़ियां मिल गई भाई, बहुत सारी लकड़ियां। तो अभी मैं जाता हूँ बोट हाउस में, तो अभी हम लोग बोट हाउस चलते और थोड़ा सा सो लेते, खा लेते, पी लेते, थोड़े प्लैंक्स वगैरह जमा करता हूँ। तो गाइस ये देखो इतनी सारी अपने पास ओक की प्लैंक्स आ गई, और भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी रात हो गई, अभी हम लोग सो लेते, फिर सुबह जाके सब काम चालू कर देंगे। और तो भाई ये देखो सुबह हो गई, थोड़ा सा हम लोग ना खा लेते, भाई भूख मिट गई क्या इसकी। ओके ये देखो, वो देखो घोड़े को मार रहा है क्या वो भाई साहब, मुझे पता नहीं है, वो घोड़े को तो नहीं मारता ऐसा लग रहा है वो भाई साहब, ये मरने वाले हो भाई, एक मर गया, ये देखो ये भी मरेगा। तो गाइस मैं बाद में जाके स्टोन लाता हूँ, तब तक है ना मैं ना जो मतलब अपना बेस है जो लकड़ी लगने वाली है जिसको, तो वो बना लेता हूँ। तो अभी अपने को स्लैब बनाना है। तो गाइस मैं एक्चुअली है ना थोड़ी सी चेस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी लकड़ियां वगैरह है अपने पास, तो वो रखने के लिए जगह भी चाहिए यार। तो मैं फिलहाल के लिए ना भाई इधर ही रख देता हूँ, एक चेस्ट रखता हूँ, फिर इसके अंदर है ना सब चीजें डाल देता हूँ। अभी कंफ्यूज हो जाएगा इसलिए सब पहले डाल देता हूँ। और एक काम करता हूँ, ये जो डायमंड सॉर्ड है ना ये भी घर में ना सही सलामत रख देता हूँ। ओ क्या खुल गया गलती से, तो ये डायमंड सॉर्ड भी डायमंड के बाजू में ऐसा रख देते, एकदम ऐसा फुली प्रोटेक्टेड रहना चाहिए डायमंड से डायमंड। तो गाइस अभी हम लोग ना इधर से उधर तक कनेक्ट करने वाले हैं, तो अभी मैं देखता हूँ कि कैसे कर पाते। तो इधर से एक काम करता हूँ गाइस, इधर से ही चालू कर देता हूँ मैं उल्टा। तो भाई अभी हम लोग ना इधर से उधर तक पूरा ऐसा किनारे तक कनेक्ट करने वाले है, तो अभी अपने को स्लैब लगा दे जाना है पूरे ऐसे। ओके गाइस अभी हम लोग किनारे तक आ गए, अभी इधर से है ना उधर वो साइड तक चलते है। तो अभी मैं ये रहने देता हूँ, पहले हम लोग जाके ना गाइस स्टोन लाते है, अपने को स्टोन चाहिए अभी। ओके तो देखते कितने सारे स्टोन है, 40 मिल गए भाई,
इसके अंदर कितने 64 हाँ मतलब जितने रखे थे उतने मिल रहे, रात हो ही गई है तो सो लेते अब भी, और फिर सुबह हम लोग ना थोड़ी सी कोल माइनिंग करेंगे। ओके गाइज, ये देखो सुबह हो गई, थोड़ा सा खाना पानी कर लेते हैं, बट अपने पास खाना नहीं है भाई। अभी इस तरह से ना थोड़ा सा वीट उठा लेता हूँ मैं और ब्रेड बना लेता हूँ, एक ही ब्रेड मिला रहे। एक काम कर देता हूँ, इधर ऊपर से चालू कर देता हूँ कोल माइनिंग। ओके थोड़ी सी टॉर्चेस बना ली, ये देखो अपने को कोल भी मिल गया है, तो अभी मैं इधर है ना टॉर्चेस लगा देता हूँ। कुछ तो आवाज भी आ रहा है अंदर से, तो अपने को कोल चाहिए था, थोड़ा तो कोल मिल गया यार, खुशी हो रही है। वाटरमेलन बोलना चाहता हूँ, तो अभी ले लेता हूँ इसका वाटरमेलन। गाइस चुरा लेते हम लोग ये। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं अपने ब्रिज के काम में, तो ये जो अपना मतलब अपने को जो फायर लगेगी वो बाद में कर लूंगा। स्टोन की ब्रिक्स बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद में भाई साहब इतनी लगती है मुझे पता नहीं था। तो गाइस अभी अपने को ना ये स्टोन ब्रिक लगानी है, तो मैं 5 छोड़ के लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 छोड़ के एक लगा देता हूँ इधर ऐसे, उसके बाद में ना एक बीच में नहीं उधर से पहले 5 छोड़ता हूँ, फिर रैंडम जगह पे एक बीच में लगा देता हूँ। अभी दूर से देखता हूँ सेंटर किधर है। ओके मुझे लगता है थोड़ा सा इधर लगाना चाहिए था मुझे, तो अभी मैं इधर लगा देता हूँ, और ये हटाना पड़ेगा अपने को। तो अभी इसके सामने एक और उसके बाद में इधर एक लगा देता हूँ ऐसे। तो गाइस अभी अपने को ना थोड़ी सी लकड़ियाँ चाहिए, उसके बाद में ये नो इनफ ऐसा मुझे लग तो रहा है। गाइस फिर से रात होने वाली है, तो अभी मैं सो लेता हूँ, उसके बाद में सुबह काम अपना कंप्लीट चालू करता हूँ। तो अभी अपने को गाइस पिल्लर बनाने हैं, तो अभी मैं एक काम कर देता हूँ, पानी के नीचे जाके एक डोर लगा देता हूँ, फिर आराम से सांस ले पाएंगे। उसके बाद में अपने को ना ये पिल्लर शेप देने के लिए ना इसके नीचे ऐसे लगाने इधर एक आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे। तो गाइज ये देखो ऐसा पिलर का शेप आ गया, उसके बाद में अब भी गाइज मैं एक काम कर रहा हूँ, ये ट्रैप डोर उठा लेता हूँ। तो गाइज ये दो पिलर एक्चुअली पूरे अच्छे से रेडी कर दिया, ये देखो क्या सही डिजाइन आ गया, मतलब एकदम बढ़िया वाला ब्रिज बनने वाला है, मैं पहले ही बोला था। तो अभी इसको भी कम्प्लीट करना है, तो उसके लिए ना मुझे और स्टेज बनानी पड़ेंगी। ये लो गाइज अपना बेस है ना कम्प्लीट हो गया ऐसा समझ लो, तो आपको है ना थोड़ा दूर से जाके दिखा देता हूँ। ये देखो भाई साहब क्या अच्छा लग रहा है, तो अभी अपनी बोट किधर गई। तो अभी अपने को है ना गाइज ये जो बीच वाले जो मतलब जगह है ना उधर अपने को ना स्लैब लगाना है, तो स्लैब है क्या मेरे पास? ओके बहुत सारा स्लैब है अपने पास, इधर पूरा ऐसा स्लैब लगाने वाले हम लोग, तो इधर है ना पहले मैं ये कर देता हूँ। अभी अपने पास सब है ना ओकी चीजें, तो हम लोग ओकी यूज करने वाले है। ये देखो गाइज अभी तक है ना इतना हुआ है, एक्चुअली दूर से देखेंगे ना तो अच्छा लगता है। ये देखो इसके नीचे पिलर वगैरह है, तो अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। अपने ब्रिज पे चल लेते हैं थोड़ा सा भाई, ये देखो कितना खुश है अपना बंदा, ये देखो ब्रिज। और भाई साहब डायरेक्ट बोट में आ गया ये, तो स्टोन की ब्रिक्स चाहिए और गेट भी बनाना है अपने को। तो गाइस अभी अपने को ना इधर से फेंस लगा देना है, उसके बाद में इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर कैसे लगाऊं, इधर से लगा देता हूँ। उसके बाद में गाइस इधर अपने को ये जो बीच में अपना चिजल्ड स्टोन ब्रिक था ना उसके ऊपर ये लगा देना है, तो तीन तीन लगाना है। तो जाने तो गाइस पहले ना रात हो ही रही है, तो अभी हम लोग तो फिर से हम लोग सो लेते हैं, यार बहुत बार सो रहा हूँ आज में। तो गाइस अभी सुबह हो गई, अभी हम लोग थोड़ा सा खा लेते हैं, और इधर लास्ट में ओक्का आएगा फिर लग जा भाई। ओके गाइस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी अपने को है ना भाई साहब हम लोगों ने जितने भी ट्रैप डोर सॉरी गेट बनाए थे, तो अपने को वो लेने गेट, तो अभी अपने को ना इधर ऐसे ये गेट्स कनेक्ट कर देने। ये देखो अभी तक इतना बना है, यार सही में अच्छा लग रहा है, ऐसा पूरा बोट के साथ मैच हो रहा है। तो अभी अपने को चाहिए बहुत सारे ट्रैप डोर, अपने को इधर ऊपर ट्रैप डोर और उसके बाद में अपने को स्लैब्स लगा देने, फिर बहुत ज्यादा काम अपना कम्प्लीट हो जाएगा। बहुत सारे ट्रैप डोर बनाने वाला हूँ गाइस, तो मैंने बहुत सारे ट्रैप डोर बनाए, फिर से अपने को ना इधर से ऐसा लगाते हुए जाना है, तो इधर ऊपर लगेगा क्या भाई? ओके ऊपर लग गया, इधर भी ऊपर लगाना है, फिर हम लोग को है ना इसे लगाते हुए जाना है साइड से। गाइस ये देखो मैंने दोनों साइड भी है ना ट्रैप डोर लगा दिए, अभी है ना अपने को है ना स्लैब लगा देना है ऊपर ये सेंटर में पूरा। अभी इधर से है ना सब पूरा स्लैब लगाते हुए जाना है, एकदम फास्ट जाएंगे हम लोग भाई। ये देखो हम लोगों ने है ना एकदम बढ़िया से है ना ये ऊपर का रूप भी बना दिया, क्या सही लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। ये देखो अपना बंदा यार क्या फास्ट स्पीड में जा रहा है, बहुत ज्यादा खुश लग रहा है। आई थिंक गाइस 10 लगेंगे अपने को लैंटर्न, तो अभी हम लोग है ना इधर से ऐसा बीच बीच में से लैंटर्न लगाते हुए जाएंगे इसके सामने एक। ओके गलत लग गया क्या? नहीं बराबर लग गया। उसके बाद में इधर एक और फिर इधर एक, उसके बाद में इसके सामने एक और फिर
इसके सामने एक, ये देखो क्या सही लग रहा है। अभी अपने पास एक है तो अभी अपने को शायद और 2-3-6 लगेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। ओके तो भाई मैंने 7 बना दिए, कोई नहीं तो एक्स्ट्रा है तो हम लोग यूज करेंगे एकदम अच्छे से। तो अभी इसके सामने एक आ जाएगा, सामने ही लग रहा है ना गाइस, और फिर इधर एक आ जाएगा, इसके सामने इधर एक, तो एक 2 एक्स्ट्रा बचे। तो मैं इधर है ना थोड़ा सा साइड वे क्लियर कर रहा हूँ अपने ये ब्रिज के बाजू में। गाइस अपने को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, भाई साहब बहुत ज्यादा स्लो भाग रहा है अपना बंदा। ओके गाइस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मिल गया। और फिर से रात होने वाली है तो मैं फास्ट फास्ट है ना इधर ये अपने 2 ये लगा देता हूँ इसके ऊपर किधर। ओके ये देखो लैंटर्न है तो इधर ऐसे 2 रोक देता हूँ। ओ भाई साहब क्या सही लग रहा है, ये देखो ये वाले एंगल से भी क्या मस्त लग रहा है भाई। एक मिनट ना थोड़ा सा दूर से भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखो गाइस सही में यार क्या अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ गाइस रात भी होने वाली है तो आपको है ना रात में भी दिखा सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ फिर से ना सिनेमैटिक व्यू कर लेता हूँ। ये देखो भाई यार सिनेमैटिक में क्या अच्छा लग रहा है अपना ये वाला ब्रिज। और गाइस ये देखो यार दूर से अपने ये बोट को, बोट हाउस को क्या अच्छे से कनेक्ट कर रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा लंबा ब्रिज बनाया है हम लोगों ने। ऊपर से ऐसा लग रहा है भाई, ये देखो एकदम तगड़ा बिल्ड है। मतलब जिसका भी है ना उसका लिंक है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। 2.5 पिक्सल का है गाइज ये देखो यार क्या सही लग रहा है। और एक्चुअली गाइज इधर है ना अपने को ना इधर ऐसा बीच में ना कैंप फायर लगाना था, मतलब पाथवे के लिए इधर, फिर हम लोग है ना वो बुझा देंगे और उसके ऊपर चलने के लिए एकदम अच्छा लगेगा। बट कोई नहीं अभी अपने पास कैंप फायर नहीं। भाई साहब ये देखो ये एंगल से क्या अच्छा लग रहा है भाई बोट हाउस के साथ अपना ये वाला ब्रिज, सही में यार एकदम सही लग रहा है। ये देखो फिर से गाइस आपके लिए मैंने ना एक सिनेमैटिक शॉट तैयार किया, ये देखो क्या अच्छा लग रहा है अपना ये वाला ब्रिज भाई। फिर गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं, अगर आपको भी ये ब्रिज पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट में भी जरूर बता देना कि अपने को नेक्स्ट एपिसोड में क्या करना चाहिए और आपको ये ब्रिज कैसा लगा। फिर अभी के लिए यही रुकता हूँ गाइस, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय गाइस।